Institutions are very important tool for policy implementation and determining the outcomes of a given policy. Institutions are considered rules of the games by which player perform in the arena of a policy. Institutionalism ki theory bahut strong theory samjhi jati hai public policy mein. It's becoming very, very popular, and many scholars are using institutionalism for conducting researches and for suggesting solutions to various policy problems. Especially political institutions pe bahut sare scholars bahut zyada kaam kar rahe hain. Institutions dusre tools jinme bureaucracy, taxation and spending, laws and regulations, unse zyada behtar aur effective टूल्स समझे जाते हैं पॉलिसी आउटकम्स को बेहतर बनाने का और पॉलिसीज से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल करने का. और वो इंस्टीट्यूशंस क्या हैं या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या हैं जो पॉलिसी आउटकम्स को बढ़ा सकती हैं और बेहतर बना सकती हैं. ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्पीडी डिसीजंस ले सकें वो पॉलिसी आउटकम्स को बढ़ाने में बहुत अहम रोल परफॉर्म करते हैं. हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को देखें और उसका एनालिसिस करें तो आपको पता लगेगा कि एक ऑर्डिनरी काम होने में जितना वक्त लगता है उससे बहुत सारे रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं और पॉलिसी के पर्पसेस हासिल नहीं किए जा सकते. बाज़ औक़ात एक हाईवे बनाने में 20 साल के करीब का वक्त लगता है, एक प्रोजेक्ट अप्रूव होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, और बजटरी एलोकेशंस रिलीज होने में बाज़ुकात मंथ्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स के पर्पसेस हासिल नहीं किए जा सकते. तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्पीडी डिसीजंस ले सकें, टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकें सिचुएशन को, वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं पॉलिसी आउटकम्स को बढ़ाने के लिए. जहाँ पर डिलेज ना हों, जहाँ झूठ से काम ना चलाया जाए, लोगों को सही सूरत हाल से आगाह किया जाए, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस कम हो और एक्सेसिव क्रॉस चेकिंग की ज़रूरत ना हो, वो भी ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी आउटकम्स को बढ़ाने में. ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक नॉलेज को इजीली एग्रीगेट कर सकें और वैल्यूज़ को एक जगह पर एग्रीगेट करके डिसीजंस ले सकें, वो ज़्यादा बेहतर रोल परफॉर्म करते हैं पॉलिसी आउटकम्स को बढ़ाने में. बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है कि सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस डिसीजन मेकिंग के लिए ठीक नहीं है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ठीक नहीं है, और पॉलिसी आउटकम्स को बढ़ाने में भी ज़्यादा अहम रोल परफॉर्म नहीं करते. तो ये समझने की बात है कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे की जा सकती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन में, और उनसे आउटकम्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं. अरेंड लिजफार्ट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कंसोसिएशनल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे डिज़ाइन किए जाएं, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स जिनमें एथनिक ग्रुप्स, सेक्टेरियन ग्रुप्स और नेशनलिस्ट ग्रुप्स शामिल हैं, उनकी नुमाइंदगी बढ़ाई जाए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी मदद से कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना आसान हो जाता है. इसी तरह कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसमें लोअर काडर से ब्यूरोक्रेट्स को और सिविल सर्वेंट्स को नुमाइंदगी देकर इम्प्लीमेंटेशन कमेटियों में इम्प्लीमेंटेशन को ओवरऑल बेहतर बनाया जा सकता है. लेकिन इंस्टीट्यूशंस को चेंज करना, बनाना और कंसीव करना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. लॉज़ को बाज़ुकात निस्बतन आसानी के साथ चेंज किया जा सकता है, ब्यूरोक्रेसी को आसानी के साथ एनफोर्समेंट पे लगाया जा सकता है, टैक्सेशन रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग के डिसीजंस लेना आसान होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के डिसीजंस लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलिस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत होती है. तो रिलेटिवली इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म बेटर, दे कंट्रीब्यूट मोर टू एनहांस एंड इम्प्रूव पॉलिसी आउटकम्स कंपेयर टू अदर टूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी.